श्योपुर में शक्ति दल के द्वारा पिछले दिनों हुए गैंगरेप मामले में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। शक्ति दल के द्वारा ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे आगे ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। दूसरी मांग रखी गई थी कि शहर में शिवपुरी रोड पर आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, इसको लेकर एक पुलिस की गाड़ी निगरानी के लिए शहर में घूमती रहे और शहर में चाय की दुकानों पर जो फालतू के लोग बैठे रहते हैं उन पर मजनू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए, शहर में जगह जगह कैमरे लगाए जाएं। ऐसी मांगों को लेकर शक्ति दल ने ज्ञापन दिया और कहा कि पिछले दिनों में हुए गैंगरेप के में आरोपियों को सेशन हाईकोर्ट में केस चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो सके और ऐसी घटना शहर में दोबारा ना हो। इसके लिए भी सरकार को ऐसे कुछ इंतजाम करने चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियां शहर में घूमते हुए अपने आप को असुरक्षित ना समझें। दल से क्या आपकी मांगे और किस लिए आए आप? हमारी मांगे हैं शक्ति दल हिंदू संगठन के माध्यम से हम आए और जो हमारी बहन किशोरी के साथ जो घटना हुई है जंगल के अंदर, वो घूमने गए थे लेकिन उनके साथ तो उनको पता नहीं था कि ऐसी घटना हमारे साथ हो सकती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी कई घटना पहले भी कर चुके वो और उनके दिल खुले थे, इसलिए ये घटना करने में उनको कोई मतलब वो भेदभाव भी नहीं हुआ, उनको मतलब सोचा भी नहीं थोड़ा बहुत उनने। और ऐसी बलात्कार की घटना जो निंदनीय घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना आए दिन मतलब शायद करते रहते होंगे वो, तो हमारी कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री जी से महोदय से फास्ट ट्रैक में एक केस चलाकर और जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा सुनाई जाए और फांसी से भी कोई कड़ी सजा हो तो वो भी उनको दी जाए, क्योंकि ये घटना श्योपुर जिले के लिए निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना आगे चल के ना हो, इसलिए ये इन पे अंकुश लगाने के लिए और उन पे और कार्रवाई जो भी होना चाहती है वो कार्रवाई होए। और हमारे शक्ति दल इस घटना की बहुत जोर शोर से, और अगर ये घटना की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो इसके लिए फिर जबरदस्त प्रदर्शन और करेगा शक्ति दल। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो इसके लिए आपने क्या सुझाव रखा है? ऐसी घटना दोबारा नहीं हो इसलिए हमने ये सुझाव रखा है कि जल्दी से जल्दी फांसी की सजा इनको दी जाए और आगे चल के वो इस जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना करने का दुस्साहस ना करे, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाई जाए। संगठन की तरफ से और क्या मांग रखकर के ज्ञापन दिया है, किसको दिया है? आज का ज्ञापन शक्ति दल हिंदू संगठन के द्वारा सभी हिंदू समाज को एकत्रित होकर जो घटना घटित हुई है, आदिवासी किशोरी के साथ में जिस तरह का दुष्कृत्य गैंगरेप के रूप में हुआ है, उसके संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है जिसमें विभिन्न मांगे रखी है। जैसे मान लो किशोरी को मुआवजा पीड़िता हो, एक तो दूसरा इस तरह की घटना आगे न हो, तीसरा चाय की दुकान पर फालतू लोग बैठे रहकर मतलब रास्ते चलते महिलाओं को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ में मजनू एक्ट लगाकर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, इस तरह के विषय को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। ये जो अपराधी है इनको किस तरह की सजा होनी चाहिए, इसके लिए आपने क्या मांग की है? हम इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है और इस तरह की सजा के रूप में हम फांसी सबसे बेस्ट मानते हैं। जैसे दोषियों को फांसी होना चाहिए, इसके अलावा उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि फांसी से नीचा कोई उनको सजा हो, हम तो बेस्ट फांसी मानते हैं, फांसी होना चाहिए ऐसे अपराधी। धन्यवाद।